झील दिल को कर गया तू दरिया, दरिया मेरे यारा, झालर में सितारों का चनवर गा तू यारा। झील दिल को कर गया तू दरिया, दरिया मेरे यारा, झालर में सितारों का। हे व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है पंकज। आज हम बात कर रहे हैं वोकल हारमोनीज के बारे में। अभी अभी आपने जो वोकल सुना है वो है सुनिधि चौहान जी का, जो कि मैंने डाउनलोड किया यूट्यूब से, टू शो यू कि किस तरह से वोकल हारमोनीज क्रिएट की जा सकती हैं। और अगर आप एक लीड वोकलिस्ट हैं, मेल हों फीमेल हों, और आप वोकल हारमोनीज को यूज़ नहीं करते हैं आज के टाइम में, स्पेशली इन द पॉप म्यूज़िक, तो आप थोड़े से ओल्ड फैशन साउंड कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट टू गिव अ मोर शाइन और मोर कोरस टू योर वोकल। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा किस तरह से आप वोकल हारमोनीज क्रिएट कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है बाय यूजिंग थर्ड पार्टी प्लगइन विच इज़ मेलेडाइन, और दूसरा तरीका जो है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई प्लगइन आपको यूज़ नहीं करना है। वी विल यूज़ द सेम सैम्पल, और आप किसी भी DAW के अंदर हों, आपको सेम मेथड फॉलो करना है, एंड आई थिंक आप सिमिलर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले मैं अपने जो सेकंड ट्रैक है उसको डिलीट कर दूंगा, और ये मेरे पास जो है वो सिंपल ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है वो सुनिधि चौहान जी ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। एक वीडियो उनका यूट्यूब पर है, तो इसको थोड़ा सा मैं प्ले करता हूँ, एंड देन लेट्स डू दी वोकल हार्मोनाइजेशन। झील दिल को कर गया तू दरिया, दरिया मेरे यारा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल वॉइस है ऑलरेडी, और इसके अंदर कोई भी इफेक्ट अभी नहीं लगा हुआ है। सो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ट्रैक को करना है ड्यूप्लीकेट। ओके, एंड मैं इसको एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ फॉर द कैटेगराइजेशन। ओके, अब हमारे पास दो वोकल हैं जो कि सेम सेम साउंड करते हैं, उनका वेव फॉर्म जो है वो सेम है। ठीक है, अब क्या करना है, आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप द मेलेडाइन ऑन द सेकेंड ट्रैक। ठीक है, अब हम इस वोकल को मेलेडाइन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सो वी हैव टू क्लिक ऑन द ट्रांसफर बटन एंड देन लेट्स प्ले द वोकल। झील दिल को कर गया तू दरिया, दरिया मेरे यारा, झालर में सितारों का चनवर गा तू यारम। शब गुजरी ते जग सोया, नी मैं जगया नमी दानम। ओके, तो हमारे पास जो है ये वोकल्स मेलेडाइन के अंदर अभी रिकॉर्ड हो चुके हैं। नाउ आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि इसका स्केल क्या है। जैसा कि वैसे इसका स्केल यहाँ पर प्रॉपरली कैच नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा दिक्कत है मेलेडाइन में। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पर इसका स्केल जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि इसका जो स्केल है वो एफ माइनर था। आई डोंट सी एफ माइनर हियर, बट नेवर द लेस वी विल यूज़ द सेम। इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। एनीवेज आपको सिर्फ मेथड मुझे बताना है। सो आपको क्या करना है कि आपको सारे जो इसके नोट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है यहाँ से, एंड देन हारमोनाइजेशन जो होती है नॉर्मली की जाती है थर्ड एंड फिफ्थ नोट्स पर। तो आपको क्या करना है कि इन सबको ड्रैग करके लेके जाना है फिफ्थ नोट पर या थर्ड पर। आप खुद सुन के देखिए कि कहाँ पर ये अच्छा लगेगा। सो लेट मी ड्रैग इट। तो मैं इसको थर्ड नोट पर अभी जाकर मैंने इसको सारे सारे नोट्स को सेलेक्ट करके थर्ड नोट पर जाकर मैंने इसको प्लेस कर दिया है। नाउ लेट्स हियर इट। झील दिल को कर गया तू दर। सो वी आर गेटिंग सेम सॉर्ट ऑफ हार्मोनाइजेशन इफेक्ट, पर आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको थोड़ा सा और लेके जाना चाहते हैं, लेट्स से फिफ्थ नोट पर। झील दिल को, झील दिल को कर गया तू दरिया, दरिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई नोट्स पर हो गया, तो मेरे हिसाब से जो पहला था वो ठीक था। झील दिल को कर गया तू दरिया, दरिया मेरे यारा। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल। आप चाहें तो इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं, लाइक डुप्लीकेट द सेकेंड ट्रैक, एंड देन सेकेंड ट्रैक पर आपको जाके करना क्या है कि जो सारे नोट्स थे इनका आप दोबारा से की चेंज कर लीजिए। मे बी यू कैन ट्राई डिफरेंट की, बट इट इट इट्स ऑल अप टू यू। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सो ये जो मेथड है वो है जिनके पास मेलेडाइन है या जिनके पास ये पेड प्लगइन्स हैं। दूसरा तरीका जिनके पास ये पेड प्लगइन्स नहीं है, तो उनके लिए क्या करना है, तो आपको बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, पर इक्विवेलेंट मैं कह सकता हूँ कि आपको सेम जो है वो पिच अचीव हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, इस ट्रैक को करेंगे डुप्लीकेट वंस अगेन, एंड देन फिर से करना है डुप्लीकेट। ठीक है, मैं इसके दो ट्रैक बनाऊंगा डुप्लीकेट करके। नाउ जब आपने डुप्लीकेट कर लिया, तो इनको सबसे पहले डिफरेंट कलर्स दे देते हैं।
ओके नाउ हमें क्या करना है, जो हमारा जो पहला कॉपी हमने बनाया था ये वाला, ओके इस पे हम जाएंगे, वेव फॉर्म पर जाना है। मेक श्योर कि आपका यहाँ पर जो है एल्गोरिथम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रो होना चाहिए अगर आप एबल्टन लाइव के अंदर हैं। देन हमें इसको स्लाइटली डिट्यून करना है। सो डिट्यून करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसको डिट्यून करूँगा लेट्स से -10। आप मतलब ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, यू कैन ट्राई इट विद द 10 एंड देन स्लाइटली इंक्रीज इट लेटर ऑन मे बी। तो मैंने -10 यहाँ पर सेलेक्ट किया और अब इसको प्ले करके देखते हैं। झील दिल को कर गया, तो थोड़ा सा डिट्यून ऑलरेडी साउंड हो रहा है। नाउ मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा थर्ड नोट पर। सो यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन है 1 2 3। सो आप इसको थर्ड नोट पर जब लेके आएंगे, झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, तो हमने थर्ड नोट यहाँ पर ऐड कर दी है। हमें सेम चीज़ करनी है अपने सेकंड ट्रैक के लिए जो हमने दूसरी कॉपी बनाई है, तो उस पर आते हैं। चलिए इसको भी हमने स्लाइटली करना है डिट्यून, लेट से -10 मैंने किया अभी फॉर टाइम बीइंग, और इसका जो एल्गोरिथम है इसको हम रखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रो। एंड देन यहाँ से इसको थर्ड की बजाय हम करेंगे फिफ्थ नोट पे हार्मोनाइज, तो मैंने फिफ्थ नोट पे किया। नाउ लेट्स हियर इट। ठीक है, जब इतना हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा हमें जो है इनको डिले करना है, ताकि जो मेरा लीड वोकल चल रहा है उससे थोड़ा सा या तो पहले ये चलें या उसके थोड़ा बाद में चलें। तो मिली सेकेंड्स में करना है इसको। तो आप एबल्टन में हैं तो यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, सो यू गेट दिस मिली सेकेंड्स ऑप्शन टूवर्ड्स द राइट। तो मैं इसको हल्का सा जो है मे बी 3, 4 और 5 जो भी आप नंबर रखना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से 5, 7 एनी रैंडम नंबर। तो मैंने इसको स्लाइटली जो है वो थोड़ा सा अपने जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया। नाउ लेट्स हियर ऑल ऑफ देम टुगेदर। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा। बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि कोई मुझे डिफरेंस लग रहा है जो कि मैंने मेलेडाइन को यूज़ करके किया था, एंड देन नाउ आई हैव यूज्ड ओनली दी कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल सैंपल। तो इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। नाउ दिस वोकल वॉज रिकॉर्डेड ऑन दी फोन राइट, सो इतना इसके थोड़ा सा नॉइज भी है, बट अगर ये लेट्स से कि ये एक माइक से रिकॉर्ड किया हुआ वोकल होता, एंड देन आप अगर इस तरह से हार्मोनाइजेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। सो झील दिल को कर गया तू दरिया। सो आई थिंक वी आर गुड विद द हार्मोनाइजेशन जो कि हमने की है सेकेंड मेथड में। आप चाहते हैं तो इसकी और कॉपीज बना के देख सकते हैं, अगेन इट्स अप टू यू, बट मैं सिर्फ थर्ड और फिफ्थ नोट के साथ ही जाता हूँ। सो आई होप कि ये मेथड क्लियर है। एक और टूल आता है साउंड टॉयज का, ऑल्टर बॉय, अगर आप उसको यूज़ करें तो मे बी दैट कैन गिव यू सम लेवल ऑफ हार्मोनाइजेशन, बट ये सारे टूल्स जो है आपको परचेज करने पड़ते हैं। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जो है ये वाला फ्री वाला मेथड यूज़ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई खामी है, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द हार्मोनाइजेशन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये जो मेथड है ये आप यूज़ करते हैं, और आपको इसके अलावा कुछ और कोई भी टूल हो या कोई भी और मेथड पता हो जो कि मुझे नहीं पता हो, देन यू कैन शेयर इट विद मी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इससे जो है एक वे पता लगा होगा कि किस तरह से आप जब नेक्स्ट टाइम अपने वोकल्स को मिक्स करेंगे सो यू कैन ऐड दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन के बेल को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको अपडेट्स तो मिलें, अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने वो बेल का आइकन नहीं क्लिक किया हुआ और उनको अपडेट्स मेरे नहीं मिल पाते हैं, देन दे आस्क मी ऑन दी इंस्टाग्राम की सर आपका कोई वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट, एंड इस वीडियो को लाइक करना जरूर, मैं कहूँगा कि जरूर इसको लाइक करें, और इट गिव्स मी मोटिवेशन। सो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय।